सो गाइस, कैसे हो आप लोग दोस्तों? आई होप आप लोग सभी मजे में होंगे। तो दो इम्पोर्टेंट मूवीज़ की जो टीटी अपडेट्स आई हैं, जो हालिया में अभी रिलीज़ हुई हैं, अभी भी जो थिएटर्स पे वो रन कर रही हैं, हीरोपंती 2 और रनवे 34, इसकी ओ टी टी अपडेट आ गई है। पर्टिकुलर डेट निकल के आई है, इसकी स्ट्रीमिंग राइट किसने एक्वायर किया और आपको किस प्लेटफॉर्म पर देखने को ये मूवी मिल जाएगी, टोटल जवाब आपके पास आ चुका है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, इसी तरह के अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मूवीज़ के रिव्यूज़ के लिए भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जो नोटिफिकेशन का बेल आइकन है दोस्तों, उसे भी प्रेस कर दीजिएगा। तो हम लोग टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे चलते हैं अपने अपडेट की तरफ। तो अहमद खान के डायरेक्शन में बनने वाली फिल्म हीरोपंती 2 जिसके लीड रोल पे आप लोगों को एक्टिंग करते हुए नजर आ जाएंगे टाइगर श्रॉफ और तारा सुतरिया। इस मूवी की अगर मैं ओटीटी राइट्स की बात करूं दोस्तों, तो ये जो मूवी है अमेज़न प्राइम ने इसकी जो ओटीटी राइट्स को एक्वायर किया है, तो आप लोगों को जो ये मूवी है 10th ऑफ जून को देखने को मिल जाएगी, उसी पर्टिकुलर के डेट के आसपास देखने को मिल जाएगी। क्योंकि इसकी जो फिल्म जिस हिसाब से कमाई कर रही है, तो ये तो कहीं ना कहीं फिल्म की जो विंडो है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाने वाली है। तो आप लोगों की ये जो मूवी है काफ़ी जल्दी देखने को मिल जाएगी, फर्स्ट वीक पे मुझे लगता है कहीं ना कहीं जून के आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। और अगर मैं सेकेंड अपडेट की बात करूँ, रनवे 34 क्या और कैसे के बीच में जो दायरा है, सच वहीं छुपा होता है। और जहां पर आपको अजय देवगन की डायरेक्शन में जो ये फिल्म बनी है, जिसके लीड रोल पे अजय देवगन सर खुद और अमिताभ बच्चन सर, उसके बाद में रकुल प्रीत मैम और बवन ईरानी, इन चारों कैरेक्टर्स को इतने अच्छे से स्टेबलाइजेशन इस मूवी पे किया गया है। और जो इसमें जो ड्रामा क्रिएट किया गया है फिल्म में काफ़ी ज़्यादा, और आप लोगों को पता होगा ये जो मूवी है 2 इंसिडेंट पे बेस्ड मूवी है, तो आपको ये फिल्म इंगेज रखती है। और ये फिल्म मैं कहीं ना कहीं कहूँगा गुड कंटेंट है। इस मूवी की भी जो टिटी जो पर्टिकुलर जो डेट निकल के आ रही है वो आ रही है 17th ऑफ जून, 17 जून को ये जो मूवी है आप लोगों को अमेज़न प्राइम पे ही देखने को मिल जाएगा दोस्तों। और मैं ये भी बता दूं, क्योंकि ये जो मूवी है अमेज़न प्राइम पे रिलीज़ हो रही है, तो दोनों की जो मूवी कहीं ना कहीं जो डेट्स हैं उस पर जो गैप होगा वो 1 वीक का होगा, क्योंकि सेम प्लेटफॉर्म पर सेम डे पे रिलीज़ नहीं होने वाली, क्योंकि दोनों के जो राइट्स हैं अमेज़न प्राइम के पास में है। तो आप लोगों को दोनों मूवी पे 1 हफ्ते का जो गैप है वो देखने को मिल जाएगा। हो सके दोनों फिल्म की जो डेट्स हैं वो स्वाइप हो जाए। मैं बात करूँ दोनों फिल्म को आपको किस मूवी को देखना चाहिए, तो मैं आप लोगों को दोस्तों ये बता दूँ, आप लोगों को जो दोनों फिल्म थिएटर्स पर लगी है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप जाके रनवे 34 को जाके इन्जॉय कर सकते हैं, क्योंकि मूवी आपको इंगेजिंग रखेगी। ये भी मैं नहीं कहूंगा कि फिल्म काफ़ी अप द मार्क मूवी है, मगर आपको डिसेंट मतलब कंटेंट देखने को मिल जाएगा, कहीं ना कहीं सर्वाइव करते हुए बॉलीवुड नज़र आ जाएगी। पर मैं 1% भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप टॉर्चर्ड मूवी हीरोपंती 2 को जाके देखें। कुछ नहीं, कॉमेडी के नाम पे जो 90s में हम लोग देखा करते थे उस टाइप की कॉमेडीज़ को अभी हमारे पास में प्रेजेंट किया गया है। पता नहीं अहमद खान की डायरेक्शन को क्या हुआ है, वो किस हिसाब से डायरेक्शन कर रहे हैं और क्यों डायरेक्शन कर रहे हैं मुझे समझ नहीं आता है। आपकी जो कोरियोग्राफी जो स्ट्रेंथ है आप लोग उस पर क्यों फोकस नहीं कर रहे हैं आप लोग? बाकी जो भी मूवीज़ के नेक्स्ट अपडेट आएगी मैं आप लोगों को दोस्तों बता ही दूंगा। और आप लोगों ने अगर दोनों मूवीज़ को देखा होगा तो कौन सी मूवी आपको अच्छी लगी मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा दोस्तों। और बने रहिएगा मेरे चैनल पर इसी तरह के मूवीज़ के अपडेट्स के लिए। बाय बाय, धन्यवाद।